أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزَبز بين ذلك لا إله إلا ولا إله إلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا अभी आपके सामने आयत नंबर 143 की तलावत की गई अब हम उसका तर्जुमा देखेंगे सूरा है सूरह निसा, चौथी सूरत पारा है वलमोसिनत आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं पारा वलमोसिनत चैप्टर नंबर पाँच वलमोसिन और सूरह नंबर चार अलसा अब 143 के मायने देखते हैं तजफु में हैं वो दरमिन्फ्र और ईमान के यानी ये वही बात हो रही है मुनाफिकों की मुसलसल और ना ही इन मोमिनों की तरफ़ से और ना ही इन काफिरों की तरफ से और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह तो हरगिज़ नहीं पाओगे तुम मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए रास्ता कोई वापस आने का ईमान पर बहुत ही खूबसूरत आयत है अल्लाह तआला ने साफ साफ़ बता दिया है कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो हरगिज़ नहीं कोई रास्ता है कि वो वापस आ जाए सीधे रास्ते पर एक सौ तो, आज हम करेंगे वन फोर्टी थ्री से वन फोर्टी सेवन अब हम वन फोर्टी फ़ोर की तिलावत करते हैं यादीना काफरीनामोम अलैकुम सुल्ताना ए लोगो जो ईमान लाए हो नहीं बनाओ तुम काफरों को अपना दोस्त छोड़कर मोमिनों से क्या चाहते हो तुम कि ये कि मुहैया कर दे अल्लाह को अपने खिलाफ ये कि मुहैया कर दो अल्लाह को अपने खिलाफ सुल्तान मुबीना यानी हुज्जत दलील साफ साफ यानी अगर तुम उनको अपना दोस्त बनाओगे तोल्ला सुबहाना तआला के पास एक दलील आ गई एक हजत आ गई और जो कि बहुत ही ख़राब बात है तो अल्लाह कह रहे हैं कि उन्हें दोस्त ना बनाओ उनसे दोस्ती ना रखो वन फोटी फाइफ एक सौ पैंतालीस इनमुनाफिक्नारल नसी रक़िनमुनाफिक सबसे निचले दर्जे में हैं दो के आग में होंगे जबकि हरगिज़ नहीं पाओगे तुम इनका कोई मददगार फिर वईद कर दी अल्ला ने कि मुनाफिक तो सबसे ही ज़्यादा निचले दर्जे में होंगे जहन्नुम के लजी न तैबू असलहू आ तसमु बिल्लासू वाखलसुदी नम ले फौला कमाल मोमिनी वसोफायूतमिन मगर इन मुनाफिकीन लोगों के जिन्होंने तोबा की और इसलाह कर ली और मजबूती से पकड़ कर अल्लाह के दीन को ज़िंदगी हदायत को और खालिस कर लिया अपने दीन यानि तरीक़ रहन सहन को अल्लाह के लिए तो यही लोग होंगे मोमिनों के साथ और जल्दी ही नवाजेगा अल्लाह मोमिनों को अजरे अजीम से अब हम करते हैं 147 की तिलावत और उसका तर्जुमा देखते हैं अल्लाह होशा किरण अली क्या करेगा अल्लाह तुमको अजाब देकर अगर तुम शुक्रगुजार बने रहो और तुम ईमान लाओ यानि इख्तियार करो ईमान की रविश को वकान अल्लाह अलीमा और है अल्लाह क़दरदान सब के हाल से पूरी तरह वाकिफ। कदरदान और पूरी तरह हर हाल से वाकिफ। इस तरह आज हमने आयत नंबर 143 से 147 तक की तलावत की और उसका तर्जुमा देखा फिर दोहराए देते हैं ये तर्जुमा आपके लिए हमारे दोस्त आर्किटेक्ट भाई मोहम्मद अब्दुल हलीम साहब ने किया है आसान उर्दू तर्जुमा कुरान मुबीन सब के लिए दो जिल्दों में ये तर्जुमा मुश्तमिल है जिल्द अव्वल में पंद्रह पारे और यानी पंद्रह चैप्टर और दूसरी जिल्द में फिर पंद्रह चैप्टर रवा लफ्जी तर्जुमा कुरान समझा समझ कर पढ़ें आसानी से पढ़ें और थोड़ा थोड़ा करके कर पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में नाफिस करें وما لنا إلا البلاء صدق الله العظيم